अच्छा ए सिद्धू कुमार कहाँ से? बिहार से हो ना? बिहार से। कितनी एज है भाई? 26 साल 4 महीना। 26 साल 4 महीना, मतलब हमारी डेट ऑफ बर्थ बताओ। 4/96। 4/96 हम भाई बराबर एज के हैं। कितना से? मेरा इतना ही है। 4/96 हाँ, मेरे बड़े भैया ये छोटे नहीं है। हाँ सिंटू कुमार पहले तैयारी नहीं कर रहे थे, पहले तैयारी पहले तैयारी की थी 2015 में, उसमें भी एग्जाम दिया था। मेरे साथ एग्जाम दिया हुआ भाई 2015 वाली का, मेरा उसमें काम बन गया था इसलिए मेरी गाड़ी चल गई। इनका उसमें उस पेपर में क्या होता? उसमें सर 68 नंबर आया था। 68 नंबर थे? यस सर। बहुत अच्छे नंबर थे, फिर भी रह गए थे? यस सर। फिर 2018 में सर 70 नंबर आया, क्योंकि 73 से उठा। सुनिए, 2015 में जिस वैकेंसी में लगा था ना, उस समय मेरिट बहुत ऊपर गई थी, क्योंकि मेरा भी नंबर मैंने आपको बताया ना 83 पे आया था, 83 पे। और ओबीसी की मेरिट जिसमें मेरी मेरिट आई उसमें जनरल से ज्यादा थी 2। तो आप 2015 वाली में आपके कितने नंबर थे? 68। और 2018 वाली में? बस 70 आया। 70 थे। कैटेगरी कौन सी आपकी? ओबीसी। और फिर भी आप रह रहे हो दोनों बार? इसमें सर 73 पे थे, मेरिट बना था। 3 नंबर थे। और इसमें कितने नंबर थे रहे थे? इसमें सर थे 69। ओहो, एक बार 1 नंबर से रहे हैं और दूसरी बार? तो अभी आप ओबीसी कैटेगरी से हो, तो फिर आपकी 26 से ज्यादा होगी, फिर कैसे पेपर दोगे? 3 साल जो छोड़ दिया है, लेकिन वो भी तो 26 से ज्यादा। अरे हाँ, सबके लिए सब दिया गया है, इनको एज रिलेशन की वजह से मौका मिल रहा है। और भगवान करे भाई आपकी नौकरी लग जाए, क्योंकि 2 एग्जामों में केवल 1 बार 1 नंबर से रहे हैं ये, और 1 बार अभी 21 वाला दिया था क्या आपने? 21 में दिए थे सर, तैयारी नहीं थे 21 में। एक मार्केटिंग जॉब करने लगे सर उसमें। 2021 वाले में इनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, लेकिन 2015 और 2018 वाले में इनके बहुत अच्छे नंबर थे। ठीक है, 1 बार 1 नंबर से रह गया, इसीलिए मैं बोलता हूँ जितना हो सके उतना पढ़िए, 1 नंबर से रहा हुआ देख लीजिए और मैं नौकरी लगा हुआ, इतना फर्क हो जाता है। मैं 1 नंबर से लग गया था और ये 1 नंबर से रह गए थे, इसीलिए बोलता हूँ मेहनत इतनी करिए लाडलो कि आप 1 नंबर से ना रहो। 1 नंबर से रहने से मैं 5 साल की नौकरी करके अब अकेडमी चला रहा हूं, और ये अभी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ 1 नंबर, यानी इनके जो नंबर थे उस समय 68 थे, वो 69 पर मेरिट थी। तो 1 नंबर से जो रह जाता ना, उसके जितना पछतावना जिंदगी में दूसरे इंसान को नहीं होता। अरे अभी जैसे ये 2021 वाले बता रहे मेरी तैयारी नहीं था, इनको कोई टेंशन नहीं है, उसके वर्ड नंबर भी याद नहीं इनको, तो इन्होंने साफ बोल दिया मेरी तैयारी नहीं थी। दुख उसको होता है जो रात दिन मेहनत करता है, लास्ट में 0.0 से 0.1 से या 1 नंबर से रह जाता है। कई बार तो यहां तक भी होता है कि एज के कारण रह जाता है, यानी मान लो सेम नंबर पे मेरिट छुट्टी है, इनके भी 70 मेरे भी 70, तो जिसकी एज ज्यादा उसको पहली प्रायोरिटी दी जाती है एसएससी जीडी में, तो उस वजह से भी जो बंदा रहता है उसकी तकलीफ आप सोच नहीं सकते। और ध्यान रखना 1 करोड़ प्लस फॉर्म भरे जाएंगे तो 1 से लेके 10,000 ऐसे बच्चे रहेंगे तो सिर्फ मात्र 1 नंबर से ही रहेंगे। 10,000 बच्चे ऐसे रहेंगे जो सिर्फ 1 नंबर या आधे नंबर से रहेंगे, ध्यान रखना ये बात। तो इसीलिए बोलता हूं वो 1 नंबर वाले देख लीजिए फर्क। अगर 2017 में नौकरी लग लगे होते तो अब तक इनकी 17 से लेके 22 तक 5.5 साल की लगभग सर्विस कंप्लीट हो जाती। 17, 18, 19, 20, 21, 22 6 साल की सर्विस जो मेरे साथ लगे थे उनकी 6 साल की सर्विस हो गई, और केवल 1 नंबर की वजह से बेरोजगारी भुगत रहे, समझे? लेकिन इस बात के लिए एक बार ताली बजा दो, देखिए हौसला नहीं आ रहे हैं पुत्र, मतलब इंसान का हौसला जिंदा रहना चाहिए। अगर आप में हौसला है, उम्मीद है, तो आप जिंदगी में हार नहीं मान सकते। उम्मीद देखिए इनकी, मतलब बीच में जॉब करने लगे, परिवार की परिस्थितियां भी इंसान को जिंदगी में हैंडल करनी पड़ती थी, और बाद में वापस तैयारी में, और अभी इन मतलब सब जैसे एक साथ जैसे तैयारी हो रही है, बढ़िया से वापस तैयारी में लीन हो रहे हैं, और ये सोच के कि एक बार और सफलता का मैं हमेशा बोलता हूँ केवल एक ही मंत्र है, एक बार और। अगर आप रह गए हो तो 1 बार और, फिर रह गए फिर 1 बार और, कोशिश करते रहिए जब तक आपको जो आपकी मंजिल नहीं मिलती। जो भी हिम्मत आता है देख लीजिए भाई आपके सामने खड़े हैं। तो एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर था लेकिन फिर भी रह गए, तीसरे में नहीं कर पाए, चौथे एग्जाम में फिर ट्राई कर रहे हैं। अब इस बार हो जाएगा, मार देंगे नंबर। चलिए भाई, भगवान करे आपका हो जाए 100%, हमारी दुआएं आपके साथ है। ठीक है, आ जाओ भाई नेक्स्ट।